मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बिहार सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे नीतीश तेजस्वी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बिहार सरकार हाय हाय, हाय हाय, जिंदाबाद। शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंसान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिहार सरकार हाय हाय, हाय हाय। बेगूसराय पूर्व में नियुक्त सभी नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्य कर्मी के रूप में समायोजित करने, पुरानी पेंशन लागू करने एवं अंतर जिला स्थानांतरण समेत विभिन्न मांगों को लेकर आज बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के द्वारा एक आक्रोश मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में शिक्षक और शिक्षिकाएं मौजूद रहे। यह मार्च बेगूसराय के जेके स्कूल से निकलकर विभिन्न रास्तों से होते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय पर पहुंचा, जहां शिक्षकों ने सरकार विरोधी नारे लगाए। इस दौरान शिक्षक नेताओं ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर के शिक्षक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इसी कड़ी में यह प्रदर्शन आज किया जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि शिक्षक सुबह 8 बजे से 42 डिग्री के सेल्सियस की गर्मी के बीच बिहार के बच्चों को शिक्षा देने वाले शिक्षक सड़क पर आंदोलन के लिए बाध्य हैं। शिक्षक नेताओं ने बताया कि शिक्षक नियमावली 2023 में शिक्षकों को कुछ भी नहीं दिया गया है, बल्कि शिक्षकों का हक मारा गया है। इसलिए बिना किसी शर्त के नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने तक आंदोलन जारी रहेगा। स्थानांतरण सहित पुरानी पेंशन योजना, समान काम समान वेतन लागू करने की मांग भी की गई है। इस दौरान जिले के हजारों की संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं आक्रोश मार्च में मौजूद दिखे। शिक्षकों का आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षकों का संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपनी मांगे कैसे लोगे, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं हम अपनी मांगों के लेकर, लेकिन सरकार जो है मान नहीं रही है, इस पर आप अगला कदम क्या रहेगा आप लोगों का? देखिए, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, आज भी शिक्षक सड़क पर है। लगभग 42 डिग्री का तापमान है और इस 42 डिग्री तापमान में बिहार के जो शिक्षक हैं, जो इस शिक्षा का बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, बिहार के तमाम विद्यालय में शैक्षणिक काम कर रहे हैं, उस शिक्षक को सरकार की जो नीति है, शिक्षक विरोधी नीति, उसके कारण हम लोग सड़क पर हैं। सरकार ने कैबिनेट में स्वीकृत नियमावली 2023 को 10 अप्रैल 2023 को लागू किया, उसमें पूर्व से बहाल 4 लाख नियोजित शिक्षकों को कुछ नहीं दिया गया है, उनकी हकमारी की गई है। तो पूर्व से बहाल नियोजित शिक्षकों की हकमारी को लेकर बिना शर्त राजकर्मी के रूप में समायोजित करने को लेकर, पुरानी पेंशन लागू करने को लेकर और हमारी जो शिक्षिका बहना है उनको स्थानांतरण को लेकर आज का कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर चल रहा है। सरकार अगर हमारी मांगों को नहीं मानती है तो आंदोलन और तेज करेंगे आने वाले समय में, और सरकार को हम झुकाएंगे। जिस प्रकार महागठबंधन ने हमारे बाद अपने ही चुनावी मैनिफेस्टो में वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे, शिक्षकों की मांग को पूरा करेंगे, उन्होंने भी अपने वादे से मुकर रहे हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, चुनावी वादे में कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम शिक्षकों को समान काम का समान वेतन, पुरानी पेंशन देंगे, राजकर्मी का दर्जा देंगे। लेकिन ना तो राजकर्मी का दर्जा मिला है, ना पुरानी पेंशन मिला है, शिक्षक ठगे महसूस कर रहे हैं। इसलिए सरकार से हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये मांग कर रहे हैं कि सरकार अब भी नियोजित शिक्षकों के मुद्दे पर गंभीर हो और सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और नियमावली में संशोधन कर राजकर्मी का दर्जा दे, पुरानी पेंशन लागू करे। राम कल्याण पासवान, प्रधान लगातार आप लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, सरकार मान नहीं रही है और ऊपर से आप लोग को जरा धमका रही है कि आप लोग आंदोलन करेंगे तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा, इस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? जी, हम ये कहना चाह रहे हैं कि 4 लाख जो पूर्व से जो नियोजित शिक्षक बहाल है उनको राजकर्मी का दर्जा दे, पुरानी पेंशन दे, बिना शर्त का उनको राजकर्मी का दर्जा दे और नियमावली में संशोधन करे और अपनी जो भी क्या नाम हुआ?
आपका? कुमारी आवाज मध्य विद्यालय।